हेलो गाइज, आज एक और प्रोडक्ट है। टॉपिक से आप लोग समझ ही चुके होंगे कि प्रोडक्ट क्या है, तो बिना सस्पेंस में डाले इसे हम कट करना स्टार्ट करते हैं। ये पैकेट मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है। कोरोना के टाइम पीरियड में काफ़ी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट, कई सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका शिपिंग नहीं कर रही है। जहाँ तक पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत बेसिक सी पैकेजिंग है। अंदर एक ये बिल मिला हुआ है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। बाकी बबल रैप पैकेट के साथ ही लगा हुआ है, तो इस पैकेट की अभी हमें ज़रूरत है नहीं, इसे हम साइड फेंकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ करें उससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं सैनिटाइज़र का। और भाई, आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र का यूज करते रहें, ठीक है। सैनिटाइज़र अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप साबुन से हाथ धो, लेकिन जो है कोरोना के टाइम पर कुछ ना कुछ तो करो। बाकी बात रह गई प्रोडक्ट की, तो ये है भाई, आप देख सकते हो कि मेरी का ट्रिमर है, ठीक है। बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं एकदम सिंपल अनबॉक्सिंग रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आप प्रोडक्ट को मंगाओ तो आपको, आप जैसा ओपन करते हो ना, एग्जैक्टली वही फील आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, पावरफुल मोटर है, और ये देखना मेड इन चाइना है। तो अगर आप चाइना को बॉयकॉट करने वाले बंदों में से हैं तो आप ना मंगाएं इसे। बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं। तो बाकी मैंने तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मंगाया हुआ है। और बाकी 4 आवर्स चार्जिंग, 240 मिनट्स का यूज, यानी कि 4 घंटे चार्ज करके आप इसे 4 घंटे यूज भी कर सकते हो। साथ में ब्लेड एडजस्टेबल है। मॉडल इसका KM809A है। इसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया है। बॉक्स में अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1499 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी वो मैं भी फिर बताऊँगा। इधर साइड पर अलग अलग लैंग्वेजेज में चीज़ें लिखी हैं, क्लिपर, रेड ब्लेड गार्ड, फ्लैटन कॉम्ब, ऑयल क्लीनिंग ब्रश, 4 प्लास्टिक अटैचमेंट कॉम्ब जो इसके अंदर आपको मिलेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, देख सकते हो। बाकी बैक साइड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग लैंग्वेजेज में है। पहले तो आप यहाँ पर देखो कि इसकी जो ब्लेड है ये एक्चुअली में है 45 मिलीमीटर्स की, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए भी एक लीवर दिया हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं भी इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपको बताऊँगा। और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, प्रोफेशनल V5000 वाइब्रेटर मोटर है, ड्यूरेबिलिटी के लिए और लॉन्गिविटी के लिए। डिज़ाइन फॉर ऑल क्लिपर वर्क, पावरफुल हैवी ड्यूटी कॉर्डेड क्लिपर, आइडियल फॉर कंटिन्यूअल यूज, रस्ट प्रूफ है, हाई प्रसीजन है, क्रोम प्लेटेड ब्लेड्स हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वीनियंट थंब लीवर, एडजस्ट द टेपर एंड टेक्सचर विदाउट चेंजिंग द ब्लेड, ठीक है। अभी हम इसे ओपन करते हैं, तो ये भाई बॉक्स है। इसे खोलना कैसे है, तो सिंपल से स्लाइड डाउन करना है यूँ, तो ये निकल के आएगा अंदर से, और इसे ऐसे ओपन कर लेना है। पैकिंग की बात करें तो पैकिंग अच्छी लग रही है। ये है मैनुअल, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। चीज़ें इसमें थोड़ा बहुत लिखी हुई हैं, वैसे इसे पढ़ता कोई है नहीं, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर पढ़ो नहीं तो एक बार देख ज़रूर लेना चाहिए। तो इसे भी साइड करते हैं। ये पूरा बॉक्स इसके साथ मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसे भी साइड करते हैं। अब रह गया ये वाला बॉक्स, काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ ही आया हुआ है, तो इसे हमें इस तरीके से ओपन करना है कुछ, ठीक है। बात करते हैं, ये है चार्जर। क्वालिटी वाइज बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है, ये आप देख सकते हो। AC 100 वोल्ट, 100 से 240 वोल्ट, 50 से 60 हर्ट्ज, और जो इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 1000 mA, यानी कि 1 एम्पियर 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट का ये चार्जर है। ये ऑयल है क्लीनिंग के लिए, ये ब्रश है क्लीनिंग के लिए, चार इसमें कॉम्ब मिली हुई हैं, 3, 6, 9 और 12, और ये है मेन आइटम हमारा जिसके लिए इतनी सारी
नौटंकी की गई तो बहुत ही ज़बरदस्त वाव, ये ब्लेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो इसे भी निकाल देते हैं। भाई लुक की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि मैं ही लिखा हुआ है, और ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर मैं कहूंगा इस ट्रिमर का। बिल्ड क्वालिटी तो यार मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी। यस, चाइनीज़ भले ही है बट बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं बंदे। तो अब इसे ऑन करते हैं हम। अब यहाँ पर आप देखो वही चीज़ें लिखी हुई हैं, मेड इन चाइना लिखा है, ठीक है। ये है इसमें स्क्रीन जो कि शो करेगी बैटरी की परसेंटेज, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि कई ट्रिमर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये तो पता चल जाता है, वायरलेस फीचर वगैरह सब कुछ वो दे देते हैं, बट वो लोग उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि बैटरी कितनी बची हुई है। तो इसे हम ऑन करते हैं। यार ये प्रोडक्ट ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार किसी ने निकाल के इसे चेक किया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसकी ब्लेड भी सीधे से नहीं लगी हुई दिख रही हैं। क्या भाई ये यूज्ड प्रोडक्ट भेज दिया क्या इन्होंने? अगर ऐसा है तो इसे मैं वापस करूँगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो 81% बैटरी बची हुई है, ठीक है ना, 81। और ये लीवर है इसका ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। चार्जर के लिए यहाँ नीचे इसमें पोर्ट बना हुआ है जो कि चार्जर में यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो मैं आपको एक बार बिल दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो 949 लिखा हुआ है ना, इसके साथ ही ऑफ़र के अंडर मेरे को 50 रुपीज़ और वापस मिले हैं, तो ये लगभग 900 का मुझे पड़ा है। और 900 में मैं कहूँगा अच्छा प्रोडक्ट है, बस अगर ये फर्स्ट हैंड ही होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये कहीं ना कहीं से यूज्ड है। लंबाई की बात करें तो आप हाँ अपने हाथ इसमें हाथ के लंबाई में फिट आ जाएगा, ये मेरे हाथ भी आप देख सकते हो कितने हैं, तो सही है, एर्गोनॉमिकली अच्छा है, पकड़ने में भी सही है। एक और चीज़ अगर बताऊँ तो आप यहाँ पर ब्लेड को देख सकते हो, ये जो ब्लेड है अच्छी क्वालिटी की है नो डाउट, लेकिन ये मुझे लगता है कि किसी मटेरियल के ऊपर स्टील का जो कोटिंग है क्रोमियम की वो की गई है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे सर्जिकल ग्रेड वाली तो नहीं लग रही है, ये मैं गारंटीड आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी जो चमक है ना वो एक अलग ही टाइप की चमक होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कॉम्ब कैसे लगाते हैं, ये आपको पता ही है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखो इसमें टीथ टाइप के बने हुए, अंदर को ऐसे फंसाना है यूँ, और यहाँ पर दबा देना है, तो आप देख सकते हो कॉम्ब लग जाएगी, और निकालने के लिए यहाँ से प्रेस करना है निकल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है इसका यूज आप जैसे आप ट्रिमर को सबसे पहले अगर आप चला रहे हो फर्स्ट टाइम यूज, उससे पहले आप इसे ऑयल इसमें लगा लो। ओके, सील्ड है ऊपर से तो इसे कट करना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा ये जो ब्लेड्स है इसमें ऑयल लगा लो ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपर बना रहे। तो ट्रिमर जो कंपनीज हैं जनरली यही सजेस्ट करती हैं कि आप यूज करने से पहले आप इसमें ऑयल एक बार लगा लो, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से फंक्शन करेगा और गर्म भी नहीं होगा उतना ज़्यादा। बाकी फिटिंग के मामले में आप देखो ब्लेड टेढ़ी लगी हैं, तो मैं देखूँगा कि ये सीधी हो जाएँ। और दूसरी चीज़ इसमें यही दिक्कत है कि जो ब्लेड है अगर आपको मान के चलो निकाल के क्लीन करनी है तो आपको स्क्रू से इसको खोलना पड़ेगा, जैसे बाकी जो ट्रिमर होते हैं उनमें आप सीधे प्रेस करके बाहर निकाल सकते हो, ऐसा वाला सिस्टम इसमें नहीं है। पर मुझे लगता नहीं कि आपको बार बार ब्लेड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी आप देख सकते हो हर चीज़ के मामले में ठीक है। तो ये सभी आइटम हैं जो साथ में मिले हुए हैं, आप देखो। कॉम्ब के क्वालिटी की बात करूं तो ठीक है,
अच्छा, बहुत अच्छा भी नहीं, सही क्वालिटी है। जैसा आप एक इस प्राइस रेंज के चाइनीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो उतनी क्वालिटी इसमें है। वेल गाइस, तो मैंने इसे खोल करके इसकी ब्लेड को वापस से सीधा लगा दिया है, तो आप देख सकते हो कि अभी ये जो उसमें टेढ़ापन दिख रहा था वो प्रॉब्लम अब दूर हो गई है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो स्क्रू खोलने हैं, ब्लेड को सीधा करके लगा देना है, काफ़ी ईजी था। और अभी बात करते हैं इसके एक छोटे से डेमो की। मैं इससे पूरे सर के बाल काट के भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। MI का मैंने इसलिए नहीं मंगाया है क्योंकि वो एक्चुअली में ट्रिमर है और इसे जनरली हेयर क्लिपर कहते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ है ना, वो सर के बालों को काटने के लिए है, बियर्ड के लिए उतना नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हो इसका जो ब्लेड है वो काफ़ी चौड़ी हुई है, और इसी चौड़ी ब्लेड के ही कारण जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि आप इससे काफ़ी फास्ट हेयर कट कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी MI ट्रिमर या कोई भी ट्रिमर का यूज़ करो तो जनरली उससे जो हेयर कट होता है आपको एक दो बार इस तरीके से मूव कराना पड़ता है ना, दो दो तीन राउंड, तब जा कर के सही से कट पाता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जैसे आप सिर्फ एक बार भी करोगे ना तो एक ही बार में सही काट देता है बाल। तो मेरा भी मेन पर्पज़ हेयर कट का ही था। बाकी आप इसे बियर्ड भी ट्रिम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बियर्ड ट्रिम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और अभी मैं आपको बिना किसी कॉम के इसे, आप देख रहे हो मैंने लीवर अभी सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये बहुत आगे भी नहीं है ब्लेड, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। और अभी मैं आपको पैर में थोड़ा सा बाल कट करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये है मेरा पैर और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े इसमें बाल जमे हुए हैं। तो मैं फ़िलहाल कट करने वाला हूँ। बैटरी की मुझे लगता नहीं है मुझे नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बैटरी इसकी अच्छी खासी है, तो केवल छोटे मोटे पैच कट करने में घटने वाली नहीं है। तो ये हमने ऑन किया। तो आप देख सकते हो भाई साहब बहुत ही सारे बाल कट चुके हैं। ठीक है, आप अभी देखो मैंने सिर्फ एक बार में कितना आसानी से मैं ले गया और इसने कितने आसानी से जो है बालों को कट कर दिया है। अगर मैं इससे ज़्यादा काटूंगा तो फिर वो पैच अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा कट नहीं करने वाला हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, तो आप लोग समझ चुके होंगे एक ही बार में, सिर्फ एक ही बार मैंने कट किया, दोबारा घुमाया भी नहीं है, तो उसी में इसने कितने अच्छे से हेयर्स को कट कर दिया है। फ़िलहाल तो गाइज वीडियो में इतना ही है।